दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है रोहित शर्मा की। अगर आप फैन हैं तो यह खबर आपके लिए है। एक बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि रोहित शर्मा जो पिछले कुछ सालों से शानदार फॉर्म में हैं और साल दर साल शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, शतक ठोक रहे हैं, सबसे ज्यादा रन एक कैलेंडर ईयर में बना रहे हैं, अब हो सकता है कि उनको उनकी इस पिछले चार पांच छह साल की मेहनत उनकी रंग लेकर आए और उन्हें खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल जाए। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा का नाम की सिफारिश कर दी गई है। मैं आपको बता दूं, चयन समिति में वीरेंद्र सहवाग थे जिनको यह चयन करना था कि कौन कौन से खिलाड़ियों का नाम खेल मंत्रालय को भेजना है खेल रत्न के लिए, खेल रत्न पुरस्कार के लिए। यह खेल रत्न पुरस्कार 29 अगस्त जो विश्व खेल दिवस होता है उस 29 अगस्त को राष्ट्रपति के हाथों खिलाड़ियों को दिलवाया जाता है। तो खबर यह सामने आ रही है कि रोहित शर्मा समेत चार खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश खेल रत्न के अवार्ड के लिए की गई है। अब आपको बताते हैं, रोहित शर्मा आपको पता होगा क्रिकेट में शानदार क्रिकेटर है, तो क्रिकेट की तरफ से रोहित शर्मा का नाम दिया गया है इस खेल रत्न के अवार्ड के लिए। साथ ही साथ टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का नाम भी दिया गया है। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु के नाम की भी सिफारिश की गई है और साथ ही साथ पहलवान विनेश फोगाट की भी सिफारिश की गई है कि इन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया जाए। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है रोहित शर्मा का जो पिछले कुछ सालों से शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, साल दर साल एक के बाद एक शानदार बैटिंग कर रहे हैं, शतक ठोक रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, एक एक कैलेंडर ईयर में हजार हजार से ऊपर रन बना रहे हैं, बेस्ट बैट्समैन बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहे हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी खबर है। दरअसल वीरेंद्र सहवाग और पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह की समिति ने भारतीय खेल प्राधिकरण मुख्यालय में आयोजित बैठक में इन चार खिलाड़ियों के नाम का चुनाव किया है। अब इन खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश खेल मंत्रालय से कर दी गई है। इसके बाद अब 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। अब देखना होगा कि खेल रत्न के पुरस्कार के लिए इन चार खिलाड़ियों में से किसका नाम सबसे ऊपर रहता है और खेल मंत्रालय किसके नाम का चुनाव करता है। वैसे आपको बता दें कि रोहित शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, रोहित शर्मा रेस में इन चार खिलाड़ियों में सबसे आगे चल रहे हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या सोचना है, क्या रोहित शर्मा को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए? अगर नवाजा जाना चाहिए तो उसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।